बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बिग बॉस। क्या कहना चाहोगे दादा साहब फाल्के अवार्ड का इस कैटेगरी में जीता था, अगर आप बताएं? जी, दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड मुझे आज मिल रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। बेस्ट एक्टर फॉर नॉन फिक्शन के लिए मुझे अवार्ड मिला है। मेरा अभी शो चालू है एक महानायक डॉक्टर बीआर अंबेडकर, जो एनटीवी चैनल पे आता है, उसमें बाबा साहब अंबेडकर का कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ, उसी के लिए मुझे ये अवार्ड दिया गया है। सो मैं कल्याण जी का दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ उनके लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे चुना इस अवार्ड के लिए। एंड वाकई में जैसे हर अवार्ड हमारे लिए स्पेशल होता है, वैसे ये अवार्ड भी बहुत स्पेशल रहेगा। नहीं, खुशी तो बहुत होती है, क्योंकि इतना बड़ा किरदार है, जैसे आपने कहा महामानव उन्हें कहा जाता है, और उनका कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ। लेकिन मीडिया कवरिंग की अगर बात करें तो हम 29 या 30 दिन महीने के शूट करते हैं। सो हम वो कुछ अलग पॉलिसीज़ भी होती है जो कुछ चैनल की तरफ से होती है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, लेकिन प्यार ऑडियंस का बहुत मिल रहा है, ये मैं ज़रूर आपको बता सकता हूँ, क्योंकि हमारा शो 5 लैंग्वेजेस में डब होकर जाता है। साउथ में तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मराठी, हिंदी, ऐसे अलग अलग लैंग्वेजेस में शो जाता है। सो पूरे भारतवर्ष से लोग देखते हैं शो, और लोगों का प्यार हमें सोशल मीडिया पे या जब भी मिलते हैं तब मिलता रहता है। जब आपको इस कैरेक्टर के बारे में आपको कहा गया था कि ये रोल आपको निभाना है अंबेडकर, व्हाट वाज योर रिएक्शन के करना है नहीं करना है? एब्सोल्युटली, मेरा एक ड्रीम रोल था आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता था कि कभी ना कभी पर्दे पर इस भूमिका को निभाऊं, और वो इतना जल्दी आ गया, ये मेरे लिए सरप्राइजिंग था। लेकिन खुश ज़रूर हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। आप चेंज हुए कुछ, अगर आप बता सकते हैं, मतलब जो अंबेडकर जी की फिलोसफी है, ज़रूर एक मैच्योरिटी आ जाती है जब आप ऐसे कैरेक्टर करते हो, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आप अभी सिर्फ इससे पहले जो थे अथर्व नहीं रहे हो, कुछ एक उससे उसके साथ आपके नाम के साथ कुछ जुड़ा जा रहा है। तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, और अच्छे के लिए आता है ऑब्वियसली। और आप ऐसे देखते हो ऐसे कैरेक्टर करने के बाद कि अभी इसके बाद आप जो काम करोगे वो भी एक रिस्पॉन्सिबल काम होना चाहिए, या उस तरह का आपके इस कैरेक्टर को अच्छे से पोर्ट्रे करे ऐसा वो आगे का काम भी होना चाहिए। सो फैंस क्या रिएक्शन देते हैं, लोग जब आप बाहर जाते होंगे, माइट बी आप कभी बाहर आउट ऑफ स्टेट जाते होंगे, लोगों का कुछ रिएक्शन क्या आता है? साउथ से बहुत अच्छा रिएक्शन है, अभी आपको बताने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन नेक्स्ट वीक मैं कर्नाटका में जा रहा हूँ एक इवेंट के लिए। सो वहाँ पे कुछ 15-20 हज़ार लोग आने वाले हैं। सो वो देख के बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि हम एक्टर हैं, हम कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, हम या आप समझ सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो हम में बाबा साहब देखते हैं, क्योंकि जब रोज़ टीवी पर हम आते हैं तो उनको लगता है कि उनके बाबा साहब आ रहे हैं, और उनकी वो श्रद्धा है उनके प्रति। सो ये जो प्यार मिल रहा है वो हमारा कम और उनके नाम का प्यार ज़्यादा है। संविधान के बारे में जी ज़रूर, मैं अभी जो कैरेक्टर कर रहा हूँ उसमें उनकी एज 20-21 है। सो उस एज के बारे में मैंने ज़्यादा पढ़ा है, आगे का मैंने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि आगे का अगर मैं डीपली पढ़ूंगा तो फिर वो जर्नी जो है मेरे एक्टिंग की वो कहीं ना कहीं छूट जाएगी, तो मैं उस जर्नी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। Okay, so, जैसे कि आपके जो कैरेक्टर है अनटचेबिलिटी को जो कहते हैं वो कितना आप उसको, मतलब ऐसा भी होता था पहले, आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा होता था पहले कई कई जगहों में, ऐसा अभी होता है। ये बहुत ही बुरी चीज़ है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उन्होंने जिस कंडीशन में फ़ाइट किया अनटचेबिलिटी के लिए वो वाकई में बहुत काबिले तारीफ़ है, क्योंकि उस समय के सिचुएशंस भी, हालात भी वैसे नहीं थे। अभी हमारे पास सोशल मीडिया है, आप सब रिपोर्टर्स हैं तो हम खुल के बोल सकते हैं, लेकिन उस समय उनके पास ऐसा फ्रीडम नहीं था, उस ज़माने में उन्होंने फ़ाइट किया। तो आज ये सब नहीं होना चाहिए 100%, इस ये बिलीव मैं रखता हूँ, और बदलना चाहिए, अभी भी बहुत प्रोग्रेस करना बाकी है, वो धीरे धीरे हो जाएगा। कुछ नहीं, ऐसा ही प्यार देते रहिएगा मुझे, मेरे सीरियल को और हम सबको। थैंक यू। okay,